जरा लाइव को शेयर कीजिएगा। अचानक आना भी कोई इम्पोर्टेंट काम हो सकता है। जितने भी साथी हैं वो इस लाइव को थोड़ा शेयर करेंगे, हम लोग सफर में खड़े होके किसी इम्पोर्टेंट बात पे चर्चा करना चाह रहे हैं। जरा जी भाई अपने जुमे ही या थोड़ा शेयर करो और अपने अपने ग्रुपों में शेयर करो। थोड़ी सी संख्या जितनी जल्दी बढ़ेगी उतनी अपनी बात को बहुत कम समय में कह के अपनी बात को खत्म करेंगे। संख्या ज्यादा बढ़ाओ, जल्दी बढ़ाओ, मतलब व्यूअर बढ़ाओ और वो तीन बटन है उसको शेयर कीजिए आप लोग। जो मेरे टाइमलाइन पे देख रहे हैं उसके ऊपर आपके तीन डॉट्स बटन आएंगे, उसमें से दबाइए और शेयर का ऑप्शन आएगा तो ग्रुप और अपने स्वयं की टाइमलाइन पे इसको आगे भेजिए ताकि व्यूअर ज्यादा हो जाए। और लिंक कॉपी पेस्ट करके भेज दीजिएगा। ज्यादा बात काटना को ज्यादा बात नहीं करेंगे, बात थोड़ी सी छोटी सी है। अभी आप लोगों को ज्ञात होगा कि अपन लोग ने डूंगरपुर जिला मुख्यालय पे बवरलाल जी परमार के समर्थन में एक रैली निकाली थी और सभा करी थी, जिसमें पूरा आदिवासी समुदाय, आदिवासी परिवार, बिल प्रदेश के और जयेश के साथी लोग, पूरे मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के जो मेन मेन वक्ता थे वो लोग आए थे और बड़े दमखम के साथ में अपन ने रैली निकाली। उसके लिए मैं किसी का आभार नहीं कर पाया और उस रैली के लिए आप सभी का आभार, जोहार, धन्यवाद। अब बात यह आती है कि 6 तारीख के दिन डूंगरपुर के स्थानीय नेता ने आह्वान किया है, स्थानीय एमएलए ने, कि हम लोग भी रैली निकालेंगे। तो भाई जो गांवों में प्रचार हो रहा है, अभी का लेटेस्ट जो सोशल मीडिया पे जो न्यूज चल रही है, खबर चल रही है, उसके पढ़ने के बाद में मुझे लाइव आना पड़ा। गांव में प्रचार हो रहा है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलके ये प्रचार कर रहे हैं कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आपको रैली में जाना है और कांग्रेस वाले रैली कर रहे हैं। ये दोनों ये प्रचार कर रहे हैं कि महंगाई के विरोध में रैली, दूसरा रोजगार गारंटी में दिन बढ़ाने की रैली, तीसरा आपके गांव में रोड नहीं है तो रैली, चौथा स्कूल का क्रमोन्नत करना है तो रैली। ऐसा गांवों में लोगों को मूर्ख बना के गाड़ियां भराई जा रही है। तो मैं जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं समाज के, चाहे वो हमारी विचारधारा से लेस हो या ना हो, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार से लोगों को बरगा के या फिर झूठ बोल के लाया जा रहा है, तो आपका नैतिक दायित्व बनता है कि किसी व्यक्ति विशेष यानी जो अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए बोल रहे हैं, उनके विरोध में ये रैली लेके आ रहे हैं। तो मैं अपने जितने भी कार्यकर्ता हूं, उन कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि सवेरे गांव में आप लोग ध्यान दीजिएगा कौन कौन से लोग गाड़ी भेज रहे हैं और लोगों को थोड़ा सा जाने से रोकिए। मतलब जबरन तो नहीं कर सकते, लेकिन सत्य वहां बता दीजिए कि भाई उन्होंने पहले भी झूठ बोल के एक रैली आयोजित की थी, अभी भी झूठ बोल के एक रैली आयोजित कर रहे हैं, तो उस रैली में जाने से हमारे समाज का बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये रैली कोई सामाजिक रैली नहीं है, ये रैली विशेष पार्टी विशेष की रैली है, ये रैली व्यक्ति विशेष रैली कर रहा है। इसलिए इस व्यक्ति विशेष की रैली में आप लोग नहीं जाएंगे, ऐसी मुझे आशा और विश्वास है। हम लोग इस चीज को अभी बाइंड अप किया है, थोड़ा कम किया है, जितना होना था, जितनी बात करनी थी, उन्होंने ज्ञापन दिया तो अपन ने भी ज्ञापन दे दिया, उन्होंने रैली निकाली अपन ने भी रैली निकाल के प्रशासन को सत्यता का सबूत दे दिया है। तो अभी जो रैली निकाल कर वापिस इस माहौल को खड़ा करना चाहते हैं, मैं तो साफ बोला हूं, पहले भी बोला, अभी भी बोला हूं, कांग्रेस बीजेपी के पास में आदिवासी क्षेत्र के लिए और आदिवासियों के लिए और दूसरी जो जनता है, चाहे वो आपका ओबीसी हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे एससी हो, चाहे जनरल समाज हो, उनके विकासात्मक मुद्दे के लिए उनके पास कोई भी ऑप्शन बचा नहीं है। वो मात्र और मात्र किसी शिक्षक के नाम पे, फालतू की बात पे जो तार्किक नहीं है, जो सत्य नहीं है, उस बात को लेके सभी लोगों को गुमराह कर रहे और उस गुमराह करके अपनी राजनीति चमका रहे हैं। अगर भाई उनको राजनीति चमका नहीं है तो कांग्रेस पार्टी के पास एजेंडे के साथ में बात करे, बीजेपी एजेंडे के साथ में बात करे। अभी सुनने में आया है बीजेपी सपोर्ट कर रहा है कांग्रेस वालों को,
तो हम लोग इसीलिए कमल कांग्रेस बोल रहे हैं। तो जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि गांव में जो लोग गुमराह होकर जा रहे हैं उनको रोकने का आप लोग बात करेंगे, और रैली करना चाह रहे हैं वो उनका स्वतंत्र अधिकार है, रैली करें, लेकिन हमारे लोगों को गुमराह करके ले जा रहे हैं उन लोगों को रोके। दूसरा, उन्होंने एक उस प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, मैं इसका जवाब हमारे दोनों एमएलए जो है वो देंगे विकासात्मक मुद्दे को लेके, क्योंकि मैं इसमें कोई आधिकारिक व्यक्ति नहीं हूं उनकी बात को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन हमारी रैली को लेके उन्होंने कटाक्ष किया था कि मध्य प्रदेश से लोग लेके आ गए, गुजरात से लोग लेके आ गए, महाराष्ट्र से लेके आ गए, झारखंड से लेके आ गए, फलाना से लेके आ गए। तो वो कहीं से भी आए थे लेकिन भारत के आदिवासी थे, पाकिस्तान से थोड़ी लेके आए थे या फिर अमेरिका से उठा के थोड़ी लाए थे, कोई विदेशी लोग थोड़ी लाए थे, आदिवासी आदिवासी के सपोर्ट में आया था। सिर्फ वो जो वक्ता लोग थे, बोलने वाले लोग थे, वो दो चार लोग ही बाहर के, यानी बिल प्रदेश की टेरिटरी के लोग बोले, बाहर के नहीं बोले, बिल प्रदेश की टेरिटरी के बोले। और वो जो बोल रहे हैं कि बाहर के लोग आए, तो ये उनका जो आरोप है वो सरासर गलत है, इसका कोई औचित्य नहीं। हम लोग जो हमारा पुरखों का काम कर रहे हैं बिल प्रदेश का, मध्य प्रदेश का झाबुआ, रतलाम, अलीराजपुर, बड़वानी जो इलाका है वो बिल प्रदेश का इलाका है। गुजरात का हमारा सटा हुआ इलाका है वो बिल प्रदेश का इलाका है। बाकी राजस्थान का जो इलाका है पूरा हमारा बिल प्रदेश का इलाका है। महाराष्ट्र से कुछ साथी आए थे, वो भी उनको बोलने का मौका तक नहीं मिला था, वो भी बिल प्रदेश का इलाका है। तो हम लोग पूरे आदिवासी यानी पूरे बिल प्रदेश को एक इकाई मानकर काम कर रहे हैं, और ये मात्र और मात्र उसकी विधानसभा का ही बात कर रहे हैं डूंगरपुर के एमएलए। और डूंगरपुर के एमएलए का ये कहना था कि हम लोग मैं पाल देवल का हूं, तो पाल देवल के तो बहुत सारे लोग हैं, आपका अकेले का पाल देवल है नहीं भाई, पाल देवल के बहुत सारे लोग हैं, और पाल देवल के भी सैकड़ों लोग आए थे, मेरे देवल का कोई नहीं आया था। मैं तो कह रहा हूं मजोला से भी लोग आए थे, मजोला से लोग आए थे, और वो लोगों ने आदिवासी परिवार को और भवरलाल परमार को समर्थन दिया। क्या आपने जो बात बताई वो सत्य है, और हम लोग भवरलाल परमार का मैटरी खत्म करना चाहते, वो शिक्षक का मैटरी खत्म करना चाहते, वो एक हमारे आइडियल है, हमारे विचारक है, विभिन्न कार्यक्रम में आके वो अपनी बात रखते हैं, उनका हम सम्मान करते हैं। और मैं तो कहता हूं कि किसी टीचर के ऊपर या किसी विचारक के ऊपर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो आप लोग राजनीति कर रहे हैं वो एक कौन सी मानसिकता दर्शाते हैं वो आप लोगों को मैं कहना नहीं चाहता हूं। अब बात को लंबा हो जाएगा, तो आप लोग अल्प समय में अचानक मैं फेसबुक पर लाइव आया, तो आप लोगों ने मुझे जो इतना सपोर्ट किया मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज पुंजा भील जयंती और आपका गोंडवाना की महारानी दुर्गावती जयंती, दोनों महापुरुष वीरांगना और वीर की जयंती है, उसमें आप सभी देशवासियों ने गोंडवाना और बिल प्रदेश ने मिलकर अच्छी तरह से मनाया, हम भी पांडरवा में अच्छी तरह से मना के आ रहे हैं। तो आप सभी को राणा पूजा भील जयंती के उपलक्ष्य में बधाई जोहार, गोंडवाना की रानी दुर्गावती की जयंती के उपलक्ष्य में बधाई जोहार। और कल का जो कार्यक्रम है पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम है, कोई सामाजिक कार्यक्रम नहीं है, उसको अंडरग्राउंड से बीजेपी सपोर्ट कर रहा है। तो उस रैली में अधिकतम लोग नहीं जाएं और सत्यता को जानें, ये इसलिए मैं लाइव आया था। बहुत बहुत आभार। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर से लोगों को बुलाने का प्रयास चल रहा है, ये कांग्रेस की रैली करने का प्रयास चल रहा है, कमल कांग्रेस मिलकर करने का ये रैली करने का प्रयास चल रहा है, तो इसको आप लोग नहीं जाएंगे। और प्योर संवैधानिक मुद्दे पे आप लोग सपोर्ट करेंगे, राजनीतिक अपनी जगह है वो राजनीतिक करते रहें। और मैं विभिन्न साथियों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग भवरलाल जी के नाम से कोई पोस्ट कमेंट करना अभी थोड़े समय के लिए बंद कर दें, और मतलब बंद ही कर दें क्योंकि वो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए नहीं है। दूसरा, कुछ साथी बोल रहे थे कि भाई एक इस चासात में मिला, आप लोग लाइव आए हो तो है तो इसको काट के आप लोग भले इसको उस पर चढ़ा सकते हैं यूट्यूब पर। अभी मध्य प्रदेश सरकार में शिवराज सिंह चौहान का अपर सचिव ओएसडी है लक्ष्मण सिंह मरकाम, वो कुछ समय पहले हमारे बिल प्रदेश की बहू बबीता के ऊपर एक टॉन्स कसा कि ये नक्सलाइट है। तो बबीता के ऊपर ऐसा कोई मुकदमा नहीं है, ऐसा कोई केस नहीं है।
आदिवासी ही आदिवासी को जानबूझ के फंसा रहा है। तो ये जो जिस प्रकार का टंस कस रहे हैं, जिस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं, उसका हम लोग निंदा करते हैं, घोर विरोध करते हैं। दूसरा, अभी भंवर जी के विरोध में बहुत घटिया किस्म की बातें लिख रहे हैं, तो मैं नेवी से, भारत की नेवी से मैं अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि आपने उनको वहां अपॉइंटमेंट किया है और नेवी का नाम बदनाम कर रहे हैं लक्ष्मण सिंह मरकाम, तो आप लोग वहां से एक नोटिस भेजो उनको कि नेवी में रहते हुए, नेवी के अधिकारी होते हुए आप इस प्रकार की बात करते हो, वो नेवी की छवि को धूमिल करता है। दूसरा, मैं मध्य प्रदेश के साथियों से कहना चाहता हूं, आप भंवरजी को, भंवरजी के समर्थक है या नहीं है, भंवरजी को अगर फॉलो करते हैं, उनके विचारों को मानते हैं, तो कोई एक आदमी सरकार का अंग रहते हुए, सरकार का ओएसडी रहते हुए इस प्रकार की पोस्ट करता है, फद्दू नेता, भद्दू नेता, तो ये कोई भंवरजी नेता नहीं है, विचारक है। तो उसके लिए भी आप लोग, उनके लिए भी विरोध में आप लोग लिखिए, उनका उनका प्रोटेस्ट कीजिए भंवरजी का। दूसरी बात, उन्होंने लिखा पीएफआई फंड है, यानी ये फलाना फंड है, टकड़ा फंड है, हम तो पीएफआई है क्या, इसके नाम से ही सुना है, लक्ष्मण सिंह मरकाम के नाम से, मुंह से ही सुना है, हम नहीं जानते ये क्या चीज भला है। तो इस प्रकार का एलिगेशन अगर आप लोग लगाएंगे, भाई लक्ष्मण सिंह जी मरकाम, आप एक आदिवासी होते हुए गोंडवाना के बारे में, गोंडवाना क्रांति, समग्र क्रांति के बारे में, गोंडवाना के लिए आप एक शब्द नहीं लिखते, समर्थन में नहीं लिखते, बिल प्रदेश के विरोध में आप बहुत सारे शब्द लिख देते हो, अगर इतना ही हमारे विरोध में लिख रहे हो, इतना ही अगर गोंडवाना के समर्थन में अगर आप लिखते, तो हो सकता है कि गोंडो का एक प्रदेश बन जाए। और आप लोग लिखते हैं कि भाई पाकिस्तान में भी भील है, पाकिस्तान में भील है, हम लोग मानते हैं, आपकी पोस्ट में हमने पढ़ा है पाकिस्तान के भील है, लेकिन वो आज की तारीख में भारत देश से अलग है, और उसका संबंध आपसे हो तो आप जानो, आपका काम जाने, हमारा किसी दूसरे देश से कोई संबंध नहीं है। हाँ ठीक है, हम इंटरनेशनल ट्राइबल का जो आपका यूएनओ का चार्टर है उसको फॉलो करते हैं, अगर कहीं यूएनओ के अंदर या फिर विश्व लेवल पे आदिवासियों को एक करने का कोई काम हो तो हम लोग जरूर तैयार हैं, लेकिन हम लोग किसी देश के, वो पर्टिकुलर किसी देश का आदिवासी हो सकता है, हम भारत देश के आदिवासी, इंडिया के आदिवासी, आप लोगों को उल्टा सीधा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आइंदा से इस प्रकार की पोस्ट की तो हम लोगों को आपके विरोध में कोर्ट में जाना पड़ेगा, उस फिर आप मत कहिएगा कि एक आदिवासी ने आदिवासी के विरोध में काम किया, हम लोग आपका सम्मान करते हैं, हमारा आदिवासी इस पोस्ट पे है, इस प्रकार की बात करते हैं, आप लोग किसी पार्टी से जुड़कर, आरएसएस से जुड़कर किसी आदिवासी को बदनाम करोगे, इसका हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज तक मैंने आपके विरोध में कोई पोस्ट लिखा नहीं, लेकिन अब मजबूरन होकर लिखना पड़ सकता है, और आप सभी ने मेरे को सुना, समझा, धन्यवाद, जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। और राणा पुंजा भील, रानी दुर्गावती की जन्म जयंतियों पर आप सभी को बधाई, धन्यवाद, आभार।